बहन मेरा तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। हाँ यार, कितना बोरिंग सा है सब। और पिछले एक साल से हम कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। हाँ, लास्ट टाइम भी लॉकडाउन हो गया था और फिर से लॉकडाउन होने वाला है। लगता है कहीं नहीं जा पाएंगे इस बार भी। ये कंजूस पापा है ना, हमें कहीं लेके नहीं जाएगा, यहीं सड़ा सड़ा मार देगा। ट्राई करके देख लेते हैं, मान तो जाना चाहिए। बहन अगर पापा नहीं माना ना तो अगर घी सीधी उंगली से ना निकला ना तो उंगली टेढ़ी कर दूंगा मैं। आई बात समझ में? चल चलो चलते हैं, आजा। हाँ बहन। अरे बहन कैसे आऊं? अरे तू किसका नाम ले रही है? यहीं बैठे मेरे पास है, सारा दिन खराब जाएगा। अच्छा, मेरे से सारा दिन खराब जाएगा? बहन मैं कल आऊंगी, चांदनी चौक चलेंगे। चांदनी चौक चबन्ने नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ। पापा बोलो। हमें कहीं घूमने जाना है। हाँ तो जाओ अपने मामा के घुमाओ, और इस आफत को भी, मेरा मतलब है अपनी मम्मी को भी साथ ले जाओ। पापा क्या यार, हर टाइम मजाक के मूड में रहते हो। शुरू किसने किया था? अरे पापा, पिछली बार भी ना आपने लॉकडाउन का बहाना लगा दिया था, और इस बार भी लॉकडाउन होने वाला है, प्लीज ले चलो ना। ना 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 मम्मी आप ही बोलो ना पापा कुछ। पापा ने अगर आपकी नहीं मानी ना तो आपकी क्या जीत रह जाएगी? आपकी तो नाक कट जाएगी, नाक। सुनो जी, आज बच्चों को घुमाने लेके जाना है और साथ में मुझे भी, नहीं तो देख लो ना फिर। नहीं तो क्या? क्या नहीं तो? नहीं तो नहीं तो फिर आपका हुक्का पानी बंद। बच्चों बताओ कहाँ चलना घूमने? शिमला। ठीक है बच्चों, चलो चलो शिमला चलते हैं। अरे सिर्फ दो तीन दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे बसने नहीं जा रहे, इतना सामान ताम झाम लेके चल दिए। सुनो जी, जब शुभ काम में जा रहे हो ना तो ज्यादा रोका टोकी मत किया करो, नहीं तो देख लेना फिर। वरना नहीं तो तुम्हारी अड्डी पसली तोड़ दूंगी मैं। चलो बेटा चलो। क्या ये टोपा ऊपर डाल रखा आपने? अरे बेटा शिमला जा रहे हैं, वहाँ बर्फ बर्फ पड़गी तो अपना बंदोबस्त साथ करके चलना चाहिए। इधर दे मेरा टोपा। अरे मैंने भी तो उतार के बैग में रख लिया, वहाँ जाके ओढ़ लेंगे, ये बुड्ढा आदमी भी सठिया गया। मैं नहीं जा रहा फिर। लो ऐसे नहीं था, सही से करो। आलो अब तो चलो, और इस गाड़ी का तंगा बना रखा है, चलो। बुड्ढा भी ना ड्रामे करे। मेरे को बुड्ढा कह दिया, मैं नहीं चला रहा। लोकेश बहुत ज्यादा नखरे कर रहा बेटा, तू चला गाड़ी, उतार इसने नीचे। चला रहा हूँ ना। अरे क्या हो गया जी, ये गाड़ी कैसे बंद हो गई? अरे किस तो टाइम पे भरी थी ना। कैसी बात कर रही है अनपढ़ औरत। पापा वो गाड़ी का जो कस्टमर केयर होता है, yes! उस पे कॉल करूँ ना? देखा, समझदार आदमी का समझदार बेटा। फालतू फंड कस्टमर केयर, मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए फोन किया। हाँ क्या? हाँ। ओ रे मैया रे,
नहीं जी, उसको बोलो खूब बच्चे पैदा करके सुबह तक आराम से आए। क्या हुआ? बता रहे हैं मैकेनिक बच्चे पैदा कर, मेरा मतलब है उसकी बीवी को बच्चा होने वाला है, अब वो सुबह ही आएगा बच्चे पैदा करके। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है ये तो। क्या गाड़ी खराब हो गई? ये नहीं, बच्चा पैदा होने वाले। अबे कहां बेवकूफों में फंस गया मैं? पापा इस जंगल में हम कैसे रुकेंगे इतनी रात को, रूप इस गाड़ी में। तू डरा मत रे। पापा पापा लगता भेड़िए। डर मत, खड़ा हूं मैं। पापा 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 लगता शेर। बेटा हाथ पकड़ ले, बेटा डर रही है तो तू। डर रहा है इतना बकवास कर रहा है बेटा सर। पापा पापा कोई सेफ जगह चलो ना, यहाँ पर कोई खा जाएगा मैं। पापा जल्दी कोई जगह ढूंढ लो ना। पापा वो तो मैंने बैठा, उससे पूछो ना। हाँ पूछता हूँ। अंकल मर तो नहीं गया, जिंदा भी है ये। मरा पड़ा शायद। डरा रहे हो अंकल? हम कहीं जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई, एक रात गुजारने का कोई ठिकाना है, बच्चे साथ में, फैमिली है। भैया जी एक मिनट, अभी मैं फोन करके पूछता हूँ, ठीक है? हाँ प्लीज पूछो ना। अरे जा। कुछ मुसाफिर आए हुए थे, इनकी गाड़ी खराब हो गई है, शिमला जा रहे थे। हाँ इनको रुकने के लिए घर मिल जाएगा? हाँ जी ये सुबह निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अभी भेज देता हूँ, ठीक है जाओ, आप जा सकते हो अंदर। थैंक यू अंकल। नमस्ते जी। नमस्ते, आप लोग कौन? वो आपके वॉचमैन ने आपके पास फोन किया होगा अभी। ओ अच्छा अच्छा आप लोग जी। असल में हम विद फैमिली शिमला जा रहे थे कार में, हमारी कार यहीं खराब हो गई, तो मिस्त्री से बात करी, वो सुबह तक आएगा गाड़ी ठीक करने, तो हम सुबह तक यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये आप ही का घर है, आइए ना आइए। आप सब काफ़ी थक गए होंगे ना, काफ़ी लंबा सफ़र रहा होगा आपका, और भूख भी लगी होगी आपको, तो मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? अरे नहीं नहीं आप परेशान मत होइए। अरे नहीं नहीं इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी आप काफ़ी थक गए होंगे, मैं आपके लिए लाती हूँ बना के। जल्दी लेके आना। पर आप बताइए मैं आपके लिए क्या लाऊं? कुछ भी हल्का फुल्का, चाय नाश्ता टाइप कुछ भी बस, जिससे पेट भर जाए। अच्छी भूखे हैं कुछ भी ठीक है फिर। अबे जल्दी आ जाना। जो थोड़ा बहुत मैं बना सकी आपके लिए, आई होप आपको पसंद आएगा। अरे इतना तो हमारे यहाँ शादियों में खाने को नहीं मिलता। आप बहुत थक गए होंगे ना, और आपने खाना भी खा लिया और रात भी काफ़ी हो गई है, तो आई होप आपको अब सो जाना चाहिए। ये सामने वाला जो कमरा है ना, ये आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, बाकी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है?
पेट भर गया मम्मी बहुत ज्यादा। सो जा। अब तो भरपेट खाना खाया, इतना तो साला शादियों में नहीं मिलता। अब मैकेनिक तो सुबह ही आएगा, गाड़ी तो सुबह ठीक होगी, तब तक खर्राटे मार के चैन से सोएंगे। सो जा, सो जा। पागल हो गया क्या बुड्ढा? मम्मी सठिया क्या लगता है? लगा भूत भूत आ गया दिखा भाई। सो जा, सो जा। अरे मम्मी खुद ही भूत है। आप यहाँ? जी मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने आया था। और आप भी नहीं सोए थी रात को? वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, इसलिए मैं रील्स बनाती रहती हूँ। तो बट आप भी तो नहीं सोए। बात बोलूँ जी? जी मुझे भी रील बनाने का बहुत शौक है। सच में? मुझी? तो आइए ना फिर साथ में रील बनाते हैं। चलो 3, 2, 1। एक तुम्हारी पसंद का। ये मेरी पसंद का है, ठीक है? हाँ। 3, 2, 1, एक्शन। आई थिंक इतना काफी होगा आज के लिए, मैं इसे अपलोड कर देती हूँ, है ना? सही रहेगा, ठीक है? हाँ। और आपको टैग भी कर दूंगी। हाँ, जल्दी जल्दी। आई थिंक हो गया, अब आपको सो जाना चाहिए। एक काम करो, हाँ? सारी वीडियो ना मेरे फोन पे भी सेंड कर दो। आपका नंबर चाहिए होगा ना फिर? नंबर? हाँ हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है लोकेश भारद्वाज 91। ओके, मैं आपको टैग कर दूंगी और वीडियो भी भेज दूंगी। नहीं नहीं, अभी भेजो यार। अभी? तुम भूल गई तो? ओके, यही है ना आपका? हाँ हाँ, यही मेरा है। मैं आपको फॉलो भी कर लूंगी। अब तो पूरे 5 फॉलोवर हो जाएंगे मेरे। काफी ज्यादा नहीं है? अरे ऐसे ही है, बस फैंस की दया है मेरी। चलो ठीक है फिर, मैंने आपको वीडियोस भेज दिया, चेक कर लेना, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। अरे ये अपलोड भी। चलो भाई लोकेश, मस्त बनी। पहली बार लड़की के साथ रील अपलोड करी है, वो भी पूरी 5। वाह, अब देखियो रातों रात में मिलियन फॉलोवर हो जाएंगे, वो भी लड़की के साथ। पहली बार लड़की के साथ रील पड़ी है। वाह, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। स्वाति खड़ी हो ना? अब खड़ी बोले ना। क्या है? देख मैंने रील बनाई। ओए माँ। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, डेली बनाता है तू? अबे बुद्धू, मैंने लड़की के साथ रील बनाई और देख मुझे कन्फर्म पता है ये मेरी रील ना मिलियन तक जाएगी, मिलियन तक। देख अच्छा, देख दिखा। अबे अंधे, कहाँ है इसमें लड़की? अबे ध्यान देखना, 5 रील बनाई पूरी। देखना कहाँ है लड़की इसमें। मेरे तो लग गए। बहन तेरी कसम, 5 रील अपलोड करी थी मैंने लड़की के साथ, इनमें तो मैं अकेला ही कूद रहा हूँ। तेरी कसम,
अबे तेरा तो दिमाग चल गया, तू ज्यादा हॉरर मूवी देखने लग गया है। एक काम कर, सो जा, चल रखते इसको। अबे सच्ची बहन सो जा, चल।